अच्छा जी, यहाँ पर लगाई थी मैंने मेहंदी, तो सोचा आप सबको थोड़ी सी दिखा दूँ कि मैंने डिसेंट से सिंपल से मेहंदी लगाई और इतनी प्यारी लग रही थी। और आप सब इसका एक बार फिर से पैक देखें। अच्छा जी, अभी मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस, और कपड़े प्रेस करने के बाद मैं बाहर जाऊँगी, वो भी आप सबको दिखा दूँगी। ओके, तो आप सब मेरा व्लॉग एंजॉय करें। अगर आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अगर मैं आप सबको मौसम की अपडेट दूँ तो माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है, और आज आप ईद का दिन है, तो आप सबको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जी चलते हैं, हम अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी जी मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो जी अब मैं करने लगी हूँ ब्लीच, और ब्लीच करने के बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी कि और मैं क्या क्या कर रही हूँ। सो आप सब ने वीडियो को कहीं भी छोड़ना नहीं है, फुल वॉश करना है। और चलते हैं, मैं ये बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, अब मैं करने लगी हूँ फेस वॉश, और ये देख सकते हैं मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत लग रही है। ये मेरी बहन ने लगाई थी, और चलते हैं हम अपना फेस धोते हैं और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा गोश्त आ चुका था, और मेरी मम्मी कह रही थी कि गोश्त को कढ़ाई के अंदर डाल देते, क्योंकि ये देख सकते हैं आप सब कितना गंदा था, यानी खून निकल रहा था। और उसके बाद मैं बोलती मैं ना इसको एक दफ़ा कढ़ाई में डाल देती हूँ, उसके बाद हम जो है ना तकसीम कर देंगे, ठीक है। और आप सब ये व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर मम्मी ने वो सब कर लिया था, उसके बाद मैं बोलती मैं फ्रेश को धो लूँ जिस जगह से गंदा खून था, तो मम्मी वही वॉश कर रही थी। तो मैंने मम्मी के भी क्लिप्स बना लिए, और बस देखती जाइए आप सब। अच्छा जी, यहाँ पर अब्बू, कज़न, मम्मी, बहन सब आ गए थे, बोलते कि अब हमने भी गोश्त देखना। तो मम्मी के पास यहाँ पर आंटी आ गई थी, या पता नहीं कौन आ गए थे, उनको मम्मी दे रही थी गोश्त। उसके बाद अम्मी ने मुझे कहा कि तुम जाओ और छुरी लेकर आओ। मैं गई फ़ौरन से, छुरी ला रही थी, और वहाँ पर मेरा भाई आसिफ सो रहा था। और यहाँ पर जी मैं किचन में आई, मैं यहाँ पर छुरी उठा रही थी, और छुरी उठाते हुए मैंने क्या पता देखा, ये दिल कर रहा है किसी को आज मैं भी कुर्बान कर दूँ। कुछ भी, खैर आप लोग इंजॉय करें और ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो चलें सीट। अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं गोश्त तकसीम। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी छोटा सा क्लिप आप सबको दिखा दूं, और देखें आप सब बड़े इंजॉय करें, बहुत मज़ा आया आज के दिन। तो जी ये मेरा व्लॉग थोड़ा देर पहुंचेगा, क्योंकि आप सबको पता ही कर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना अपना मेकअप निकाल रही हूँ, और मतलब कि मुझे बनानी है आज टिकटॉक वीडियो,
तो तभी मैं अब सारा मेकअप निकालूंगी और देखूंगी अगर कुछ मतलब के जो जो मुझे चाहिए होगा यानी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मेकअप वो मैं यूज़ करूंगी। ठीक है जी। वैसे अगर मैं अपने मेकअप की बात करूं तो मैं लाइट सा मेकअप यूज़ करूंगी, कोई डार्क मेकअप नहीं करूंगी और ना ही मैं ज़्यादा ओवर जो होता है ना मेकअप ओवर करूंगी। तो आप देखें ये सब है मेरे पास मेकअप और यहाँ से जी अब मेरी ये एम्प्टी हो चुकी है। ये मास्क है, ये मैं नहीं अप्लाई कर रही, फिर कभी करूंगी क्योंकि आज ज़्यादा हैवी हो जाएगा मेकअप। अच्छा जी अब मैं यूज़ करूँगी कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं मतलब कि मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए मैं वो लूँगी। तो अब देखते हैं और मैं क्या नाम है परफ्यूम निकाल मैं परफ्यूम ले आई हूँ और चलें अब मैं मेकअप आपको बताती हूँ मैं कौन सा अप्लाई करूँगी और कौन सा यूज़ करूँगी। पहले तो मिस रोज़ का ये पाउडर है, ठीक है, और उसके बाद है मेरे पास मिस रोज़ का ये है जी स्ट्रिक फाउंडेशन, ठीक है, इनको हम साइड पे रख देंगे। और ये है लोशन जो मैं अप्लाई करूँगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये जी मस्कारा, ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेकअप। ये देखिए मैंने सारे मेकअप को ना क्या किया हुआ फैला दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये जी है मेरे पास हुदा ब्यूटी का, आप सबने बहुत दफ़ा देखी होगी देखा भी होगा कि मैं हुदा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती रहती हूँ, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप सब, ये लूँगी और ये बेबी क्रीम है, ये मैं अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मैंने स्ट्रिक फाउंडेशन ले लिया है। अच्छा जी उसके बाद मैं आपको कि यहाँ पर बहुत है तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं क्या क्या लूँ मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी ये मेरी ड्रेस के हिसाब से मैच नहीं होगी तो ये नहीं लूँगी, ये होगी नेल पॉलिश तो ये वाली लूँगी। हाँ जी तो ये वाली नेल पॉलिश हो गई और बहुत ज़्यादा है मतलब कि दिखाती हूँ और क्या लूँगी मैं। ये सामान हो गया मेरा और ये जी इसके अंदर सारे कलर्स हैं, ये देख सकते हैं आप सब, इसके अंदर सारे कलर्स हैं। ये देखें पर्पल भी है, मैरून भी है, सब कलर हैं। और दूसरा तो मेरे पास एक ये है जो है जी इसमें, और इसमें भी काफ़ी कलर्स हैं, ये देखें इसमें भी काफ़ी कलर्स हैं। तो इन दोनों में से भी देखती हूँ मैं कौन सा लूँगी। और उसके बाद है ये जी मेरे पास बहुत पहले का ब्लश पड़ा हुआ है जो भी टूट चुका है, सो इन दोनों में से भी ये वाला इस्तेमाल करूँगी मैं, या ये है पिंक शेड में तो ये करूँगी या ये करूँगी ऑरेंज शेड में। तो ये देख सकते हैं दूर से आप सबको ये कलर नज़र आ रहा है। और बाकी मैं देखता हूँ मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हैवी सा भी नहीं करना, बस नॉर्मल करना है, ठीक है। तो देखते हैं। और ये जी हाइलाइटर है ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, हाइलाइटर मैं इनमें से यूज़ करूँगी। ये देखें इनमें से ना कोई कलर ले लूँगी, ये मेरे टूट गए थे। बाकी इन तीनों में से अगर मैं बात करूँ तो मैं इन तीनों का मिक्सचर बना के फिर यूज़ करती हूँ। ये देखें तो अब मैं और क्या रहता है मेरे पास जी, ये भी है मेरे पास लोशन पर ये वाला यूज़ नहीं करूँगी, इसका भी बहुत अच्छा शेड है। ओके सो ये जी कंटूरिंग के लिए यूज़ होता है, मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ये वाला वाइट वाला। तो जी यही है मेरा मेकअप। और जी लिपस्टिक्स की बात करूँ तो देखते हैं कौन सी मैं लेती हूँ और कौन सा मेरे सूट के ना हिसाब से मैच होगी, यानी कौन सी, सॉरी उर्दू में थोड़ा वो हो रहा है आज, पर्पल शेड में मेरा सूट है तो ये पर्पल पड़ी हुई है, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। चलें तो अब जी मैंने आप सबको अपना मेकअप दिखा दिया है और ये देखें ये पर्पल शेड में तो यही मैं यूज़ करूँगी। अच्छा जी यहाँ पर जी मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट, यानी जो मुझे मेकअप के लिए सामान चाहिए वो मैंने ले लिया है। और क्या रहता है जी, अब ये देख सकते हैं ये हाल है कुछ अभी, और ये मुझे चाहिए होगा और ये भी मुझे चाहिए होगा, मैं ये यूज़ करती हूँ एंड काजल। अच्छा जी बस यहाँ तक ही मुझे सामान चाहिए था, बाकी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप सब। और ये बॉडी स्प्रे है तो ये भी मैंने ले लिया। तो जी यही था मेरा मेकअप और अब मैं वीडियो बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ।
अच्छा जी, ये स्ट्रेटनर भी यूज़ करूँगी। अच्छा जी, अगर मैं अपने मेकअप की बात करूँ तो मैं मेकअप इतना सा यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, तो आप सब ये मत समझेगा कि मैं बहुत कुछ करूँगी। ना, मैं बस इतने से ही करूँगी और बाकी जो सूट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये जो मेकअप है ये मैं नहीं यूज़ कर रही। खैर आइए, आप चलते हैं, मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखा देती हूँ कि कौन सी ज्वेलरी मैच करके पहन रही हूँ। तो चलते हैं जी, यहाँ पर मैंने वीडियो बना ली है और अब मैं मिलती हूँ तैयार शार होकर आप सबको फिर। वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा आप सबको अपना सूट भी दिखा दूं और आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, सो डोंट माइंड। ये है जी मेरा सूट और इतना प्यारा है, माशाल्लाह इसका दुपट्टा इतना प्यारा है और आई लव इट। सो जी, ये है मेरा सूट और इसकी आप सब देख सकते हैं सिलाई कितनी प्यारी हुई हुई है, यानी बहुत प्यारा है। तो जी यही है मेरा सूट और चल रहे, मैं आपको मिलती हूँ तैयार शाम होने के बाद। मेरा सूट और बहुत मज़ा आया और आप सब मेरा सूट देख के मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।